करता हूँ। हमेशा किताब किताब मुताला मुताला आओ कुछ मनोरंजन करे जिंदगी या कुछ मजे ले रहे फिर क्या ये रफे आएंगे रफे जिंदगी में बार बार आया नहीं करता आओ कुछ मोबाइल वगैरह चलाए अपनी तरह समझ रखा क्या तो ये ना अलग मत मिला कोड़ा सर मुझे सबक सुनाना है। अरे कहानी क्या पागल बनवाने बात कर रहे हो हम भी तो एक आदमी में है इसका मतलब थोड़ी ना कि हर वक्त 24 घंटा होली में सट्टा लगे। अरे यार मौका मिल जाए तो पढ़ लो आओ देखो कपिल शर्मा के जबरदस्त कॉमेडी आया है। मेरे को समझ यार क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ यार तुम्हारे दिमाग चला रहा हूँ जो पता है आजकल आगे निकल चुकी है। लेकिन मैं क्या करूँगा यार मेरे घर वाले मुस्तकिल सर पर सवाल रहते हैं हर वक्त पढ़ने को कहते हैं मेरा भी मन करता है कि मनोरंजन करूँ मोबाइल चलाऊँ लेकिन मैं मजबूर हूँ क्या करूँगा यार। इसमें दिक्कत किस बात की यार छोड़ यार घर के झंझट घर के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें पता है अब तक मैं कितना मोबाइल बदल चुका हूँ ये देखो आईफोन 13 चला रहा हूँ इससे पहले चलाता था इससे पहले रावा चलाता था इससे कुछ वक्त पहले हवाई कंपनी की चला चुका हूँ। अरे यार दुनिया में है क्या मौज मस्ती मजा फैशन भाव लड़ाई गुंडागर्दी नेतागिरी सब बड़े जगह के दबाश कौन करेगा। दाऊद बदल जाते ना बहुत अच्छा ये देखो ये काम कर रहा है कॉल का कुर्ता पजामा पिंकी सब कुछ ठीक है बड़ा चपुआ गाना सुन रहा हूँ चपुआ अच्छा कहाँ से बड़ा कलाय हो अच्छा है नहीं हूँ भाई पर क्या ऑनलाइन चला रहा हूँ गया वो जमाना एक दो रुपया में चार चार गाना भराया करता था अच्छा नेटवर्क चला हो क्या फैशन में रोज के करीब कलिंग कलिंग वाला जींस पहन के चश्मा लगा दिए केस चश्मा रंग लगा ले दिए बुजुर्गाने दी यो परवेज बुजुर्ग बेटा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह क्या तुम लोगों ने सबक याद कर लिया है किताब और बस्ता कहाँ है। हजरत मेरी बस्ता साइकिल में टंगा है। मौलवी साहब मेरा बस्ता चोरी हो गया है। बस्ता किसने चोरी हो गया है। मौलवी साहब मेरा बस्ता में आलू वगैरह रखा था इसलिए किसी ने हाथ साफ कर लिया। लोगों का दिमाग खराब हो गया है न किताब का पता है न बस्ता का पता है क्या खाक पड़ोगे की कही छे रे किस खाक मोबाइल चलाते हो इधर आओ मोबाइल किसने तुमको मोबाइल दिया अब ऐसे मोबाइल चलाओगे तरह तरह के खराबात करोगे क्या खाक इल्म आएगा। इल्म क्या इल्म क्या के नीचे जो जेर है जेर के यहाँ के नीचे जो रोकता है वो रोकता भी तुमको हासिल मोबाइल मोबाइल हमारे अब्बू ने दिया है किसने तुम्हारे अब्बू ने तुमको मोबाइल दिया है तुमको मोबाइल का क्या काम है। मौलवी साहब मोबाइल हमारे अब्बू ने इसलिए दिया है कि ताकि कोई देखे तो कहे कि किसी मालदार या करोड़पति का लड़का है और ये ना कहे कि किसी गरीब या फकीर का लड़का है। अच्छा इसलिए दिया है तुम्हारे अब्बू को यह पता नहीं उसके पीछे उसके बेटे का कितना बड़ा नुकसान है कहा है अब्बू बोला कर रहा मेरे एजाज एजाज उठो देखना ही जनो तब बैठ के देखना वालेकुम सलाम का हजरत खैरियत है जैसे घरिया अकेले ठीक है अलहमदुलिल्लाह
जिसकी वजह से पूरी तरह बिगड़ चुका है और पूछने पर पता चला है आपी जी मोबाइल दिया है। क्या आपको पता है इस मोबाइल का कितना बड़ा नुकसान है और कितनी बर्बादी है? सब क्या करते हैं मोबाइल? हाँ सबके पास मोबाइल है। अमजद के दादा तो आईफोन कंपनी के मोबाइल चलावत है और उनकी दादी तो ओप्पो की चलावत है तो हवाई की चलावत है और इनकी बाजी तो सैमसंग की चलावत है और इनकी चाचा तो एमआई के चलावत है और इनका नाना तो रेडमी 9 चलावत है और सही दफा हूँ आईफोन 13 चलावत है। आप भी चलाते हैं वीवो का कॉल कॉल तो अपने बजट भाई लोग क्या देखते हैं ये वसीक भैया वही कुछ तो सब देखा थे फिल्म डांस कॉमेडी एपिसोड बाजी कपिल शर्मा शो ये तो कला है हमारे कुन्ना दस मोहल्लों के लड़कों के हाथों में जमीन की किनवाल है। अगर हम इनके बारे में बताएंगे एकदम से कोयला कोयला हो जाएंगे। अल्लाह ही मदद फरमाए। आप थी ये कुल देखो कि हमारे मोहल्लों में न कुल लड़कों के हथवा में मोबाइल रहे ये खातिर हम अपना बेटवा के कादिर सऊदिया फोन कह के बड़कवा बेटवा से मोबाइल मंगवा दिए। मेहमान का बुराई है हमारा तो कुछ समझ में न आवत है। अरे यार आप भी पूरे लावा कंपनी के चाचा रहते हो शायद आपको मालूम नहीं आपने अपने बेटे को मोबाइल देकर कितना बड़ा नफा पाया और कितने बड़े खसारे में है। आपका बेटा जब दिन रात मोबाइल में लगा रहेगा गाना सुनेगा फिल्में देखेगा नेट चलाएगा तो उसका ध्यान पढ़ाई में कितना लगेगा? क्या आपने देखा नहीं न किताब का पता है न भाषा का पता है 3 मरतबा फेल होकर उसी दर्जे में पढ़ा हुआ है। आमिर जी तू सही कहा तो जब से रतवा में मोबाइल आवा है रतिया भर मोबाइल चलावते है 20 बार उठावे के बाद बड़ी परेशानी के साथ उठाते है और फजर तो इधर अक्सर गायबराज है चार हफ्ता में 2-3 दिन मारता थे असर के पीछे गुजार देते है मगरिब लफ्फे गिरी में गुजार देते। अरे मोहतरम अभी भी आपने सोचा कि इन्हीं बच्चों के कंधों पर कौम की जिम्मेदारी है? अगर ये किसी काम के ना रहे बचपन ऐशो इश्शत में गुजार दिया और तरह तरह की रंगीनियों पड़ गया तो उम्मत का बेड़ा कौन उठाएगा? उम्मत को गुमराह से हिदायत की तरफ कौन लाएगा? कौन तारे की रोशनी दिखाएगा? और आज यही हो रहा है उम्मत का 99% तबका मोबाइल के खुराफात का शिकार हो रहा है। अब जिसके जद में मदारिस इस्लामिया के तलबा भी आ चुके हैं जो अंग्रेजों की नापाक साजिशों का जबरदस्त हिस्सा था मुसलमानों के अंदर से दीनों इस्लाम को खत्म करके सिर्फ नाम का मुसलमान बना दिया जाए एक तरह से मोबाइल मदारिस के तलबा का शियार बनता जा रहा है और उनकी इल्मी सलाहियतों और कौमी बेदारी को दीमक और भूख की तरह चाट कर खोखला कर रहा है और वो दीन इल्म से बेजार करके दुनिया के रंग रैलियों में जा रहा है और उसके जिम्मेदारान तलबा के वालिदैन और अहले खाना हो किसी हाफिज या मौलवी का बेटा हो या किसी डॉक्टर या इंजीनियर का बेटा हो या किसी पुलिस या थानेदार का बेटा हो हरेक को अपने बेटे की तरबियत उसे बुढ़ापात से बचाने का मुकम्मल जिम्मेदार है। आज हाल यह है कि आवाम के साथ साथ मदारिस इस्लामिया के तलबा भी मोबाइल के बेहाल बेचैन रहते हैं हर वक्त तो बच्चे मोबाइल में सर पकड़ते हैं यही वजह है कि मदारिस के तलबा अपने को उजाला कर रहा है 8-10 साल लगाने के बाद भी किसी काम के नहीं रहते हैं मजबूरन सऊदी दुबई कतर की वीजा तलाश करते हैं या फिर किसी का नौकर या गुलाम बन जाते हैं। मोहतरम अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपका बेटा भी इसी तरह टाइम पास करके हाफिज बन जाए दिन की खिदमत से बिल्कुल वास्ता ना तो हमें कोई एतराज नहीं एक नहीं दो नहीं 1000 मोबाइल दीजिए। हजरत क्या बात करो तो चाहे कि केहू की लड़का बर्बाद हो जाए कोनो काम के न रहे सब तो ये चाहते हैं कि हमर बेटवा अच्छा आदमी बने अच्छा मौलवी बने दीन की खिदमत करे और क़यामत के दिन वालिदैन के खातिर निजात का जरिया बने और उनकी बख्शिश करवाए।
मोहतरम आपने बिल्कुल सही कहा, हर कोई अपने औलाद को नेक साले बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या इंतजाम करता है, कितनी देखभाल करते हैं अपने बच्चों की। जना आज का ये बहुत बड़ा आलमिया हो गया है कि हर शख्स अपने बच्चों पे कई बिलाल के तरफ 500 करोड़ के बैट लगा लिया, 500 करोड़ अच्छे अच्छों की मौत लगा दिया है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की मामलाते जिंदगी को दराम बराम कर दिया है, खानदान के खानदान मुआशे के मुआशे को बर्बाद कर दिया है, और मोबाइल जिसके खुराफात ने जय प्रदेश अमेरिका आप की रोल है, वो चला श्रीलंका की बैटिंग देखना विशेष गिरे रे तो नहीं बोल दो यार विशेष गिरे ठीक है अभी की अब तो हमारा क्या कुछ गई है, हम अपने गांव के कहने पर रहे हैं कि भाई बोल मोबाइल के थोड़ा पास से बचे हुए आप थोड़ा समझे हुए कि तू मेरा का मोबाइल यूज करो लाओ मोबाइल आज से अगर तो रखवा में मोबाइल देखो तो रखवा करवा दो तोड़ दो जाके दिमाग ठंडा करके पढ़ाई करो ठीक है अभी की तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी और कीमती बात बताने के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई सरकार बीच बस ही चले ले पूरा रुपये के लग भाई।